इतने बजे शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला। इन खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच हमें एक और महा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये वनडे मुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब खेला जाएगा, इसकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी चाहते कि टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर परास्त करके ऐतिहासिक जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले की पूरी डिटेल कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान एक बार फिर कब आमने सामने होने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग के बारे में कि आखिरकार इन दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट में कितना अंतर है। तो दोस्तों हम बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया इस समय वनडे क्रिकेट की नंबर वन टीम है। भारतीय टीम के 114 रेटिंग है, जबकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम की हम बात करें तो पाकिस्तान वनडे की नंबर पाँच की टीम है, जिनकी रेटिंग 106 है। यानी कि दोस्तों वनडे में क्रिकेट में देखा जाए तो टीम इंडिया और पाकिस्तान में रात दिन का अंतर है, क्योंकि एक तरफ एक नंबर वन टीम है तो दूसरी तरफ नंबर वन के सामने नंबर फाइव की टीम नजर आती है, पाकिस्तान की टीम। वहीं पर अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान कब आमने सामने होने जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2023 में आमने सामने होंगे, जहां पर दोनों टीमों के बीच कम से कम दो मुकाबले व मैक्सिमम तीन मुकाबले हमें देखने को मिल सकते हैं अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो। वैसे आपको बता दें कि एशिया कप 2023 न्यूट्रल जगह पर होने वाला है। फिलहाल इसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में टीम इंडिया खेलने नहीं जाएगी, यानी कि मुकाबला UAE में ही होगा दोनों टीमों के बीच। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड क्या रहने वाली है। तो दोस्तों भारतीय टीम की 20 सदस्य स्क्वाड की हम बात करें तो इसमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की कप्तानी इस एशिया कप में भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों टीम के वाइस कैप्टन के तौर पर हार्दिक पांड्या रहेंगे, जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, चौथे खिलाड़ी ईशान किशन, पांचवें खिलाड़ी विराट कोहली, तो छठे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, सातवें खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, आठवें खिलाड़ी KL राहुल, नौवें खिलाड़ी के तौर पर दीपक हुड्डा, दसवें खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर, ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर रविंदर जडेजा, 12वें खिलाड़ी अक्षर पटेल, 13वें खिलाड़ी यजवेंद्र चहल, 14वें खिलाड़ी कुलदीप यादव, तो 15वें खिलाड़ी मोहम्मद शमी, 16वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, तो 17वें खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, 18वें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह और 19वें खिलाड़ी उमरान मलिक है। जबकि दोस्तों 20वें खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं, लेकिन ऋषभ पंत की फिटनेस देखी जाएगी कि वो खेलने लायक उस समय तक रहते हैं या फिर नहीं। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम के पास भी अच्छे खासे प्लेयर मौजूद है जो एशिया कप में टीम इंडिया के सामने भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया को हराने के लिए उन्हें एक नए दर्जे का क्रिकेट खेलना होगा जो कि हाल ही में टीम इंडिया खेल रही है। हालांकि न्यूट्रल जगह रहने के चलते किसी भी टीम को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा, ऐसे में यहां पर पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलें टीम इंडिया के सामने होने जा रही है। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि आखिरकार एशिया कप कब शुरू होगा, तो एशिया कप 2023 का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन एशिया कप 2023 सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसके बाद अक्टूबर व नवंबर में टीम इंडिया अपने ही होम ग्राउंडों में वर्ल्ड कप भी खेलने वाली है, यानी कि दोस्तों एशिया कप टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन अभ्यास की तरह देखा जा सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है एशिया कप में टीम इंडिया की स्क्वाड क्या होनी चाहिए, और साथ ही पाकिस्तान को टीम इंडिया हरा पाएगी या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।